दोनों का कुछ तो चल रहा है। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 12 बजे करेक्ट, तो क्रीत की तैयारी हो गई है। क्रीत सबसे पहले रेडी हो गया था और अभी हमारा प्लान बन गया है कि हम लोग महाबलेश्वर जाने वाले, कि ओम भी आया है तो उसको मैंने बोला कि एक दो पॉइंट तुझे ऐसे दिखाता हूँ, तो चलो गाइस अभी टाइम हो रहा है, यहाँ पे नहीं दिखेगा, 2:10 हुए और हम लोग अभी पहुँच गए हैं पारसी पॉइंट पर। तो ये रहा पारसी पॉइंट, ये पूरा पारसी पॉइंट है और वो दोनों वहाँ पे अपना अलग ही शूट कर रहे हैं। तो क्रीत क्रीत तो चलो अंदर जाते हैं। तो गाइस हम लोग अंदर जा रहे हैं अभी पारसी पॉइंट देखने के लिए। तो गाइस अभी हम ऊपर जा रहे हैं, जो झूला देखा था मैंने। तो ये रहा हिल रहा है वो पूरा हिल रहा है पकड़ के आना चाहिए, नहीं तो सचू फिर से गिरेगी। ये देखो गाइस अभी हम लोग ये झूलते पुल पे आ गए हैं, तो यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है, पूरा सेम ही दिख रहा है, मतलब ना कुछ ही नहीं, जो नीचे से दिखता है वही ऊपर से दिख रहा है, बहुत बड़ा है, बैक वाटर होगा शायद से वो, मुझे ऐसे लग रहा है कि वो डैम का बैक वाटर रह सकता है ना। देख वहाँ पे है वो एक्चुअल में, जो कॉर्नर है ना उसका पहाड़ का, वहाँ पे शायद से वो डैम का जो गेट रहता है ना दरवाजा वो रहेगा, और नीचे यहाँ पे लोग रह रहे। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं स्ट्रॉबेरी पॉइंट के यहाँ पे, यो ये देखना स्ट्रॉबेरी, तेरे जैसे लग रही है ये क्या? और ये बहुत अच्छी बात की है यहाँ के लोगों ने कि कुछ भी कूड़ा वगैरह फेंका तो 500 रुपये फाइन आपको भरना पड़ेगा इमीजिएटली। कौन से पॉइंट पे जाएंगे? हम लोग सोच रहे कि पंचगंगा जाएंगे, तो पंचगंगा थोड़ा सा दूर है यहाँ से, ये धूप भी बहुत है तो सारे पॉइंट कवर नहीं कर सकते, जितना होगा तो उतना तो कर सकते। तो चलो अभी निकलते पंचगंगा के लिए, वो क्षेत्र महाबलेश्वर के वहाँ पे। असली मज़ा टू व्हीलर में घूमने के लिए, फोर व्हीलर में इतनी हवा नहीं लगती, फ्रेशनेस नहीं लगता है, लेकिन टू व्हीलर में सच्ची बहुत मज़ा आता है। अभी क्रिक छोटा है तो टू व्हीलर से तो नहीं आ सकते, लेकिन वो थोड़ा बड़ा होने के बाद हम लोग डेफिनेटली आएंगे। वो यहाँ पे आ रहे हैं तो मेरे हाथ में तो कैम है अपना, तो छीनना नहीं चाहिए, तो हम लोग निकलते हैं अभी। क्या करेंगे आशु, बहुत ट्रैफिक है यार, जबरदस्त ट्रैफिक है। कब से अपन बैठे गाड़ी में गाइस, तो जाने में कितना टाइम है और? नहीं उसको बहुत टाइम लगेगा, वो यहाँ से 13-14 किलोमीटर है। अरे बाप रे, फिर कैसे जाएंगे? तो इधर मैप्रो गार्डन हार्डली आधा घंटे का रोड है, अभी 1 घंटा तो गाड़ी में ही गया है। पंचगंगा का कैंसिल करते है, मुझे लग रहा है, मुझे भी ऐसे लग रहा है कि पंचगंगा कैंसिल करते जाना और जाते मैप्रो गार्डन। ये देखना कितना ट्रैफिक है आगे, देखो गाइस इतना सारा ट्रैफिक है आगे तक, पूरा दूर दूर तक ट्रैफिक है पूरा। तो मेरे को लग रहा है कि अपन वो कैंसिल करेंगे, और आज कैसे सैटरडे संडे है ना, तो बहुत भीड़ रहती है। देखो गाइस कितना सारा ट्रैफिक है,
मतलब फर्स्ट गियर से ऊपर गाड़ी जा ही नहीं रही। तो देखते आगे तो इतना ट्रैफिक है, मैं तो अपना बाय बाय करेंगे पंचगंगा को, नेक्स्ट बार जाएंगे, है ना। ओम तो आ सकता है मुंबई से कभी भी। तो हम लोगों ने अभी टाइम पास के लिए ये खोला है वेफर्स। तो आधा आधा एक घंटा हो गया हम लोग गाड़ी में बैठे हैं। हाय गाइस, तो अभी बहुत ट्रैफिक है जबरदस्त, मुझे आप साइड में देख सकते हो करके हम लोग वापस जा रहे हैं अभी मैप्रो गार्डन के लिए। ये देखो कितना ट्रैफिक है। गाइस हम लोग फाइनली मैप्रो गार्डन पहुंच गए, बहुत जबरदस्त ट्रैफिक था, है ना। क्या ना, मैं नरे आकाश तो सबको छुट्टी है तो उस वजह से भी बहुत ट्रैफिक। छुट्टी भी है और सैटरडे संडे है ना, तो वीकेंड पे बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए। जो मुंबई पुणे से लोग है ना वो तो आती ही है, वीकडेज भी आए तो इतनी भीड़ नहीं रहती। हाँ, ये वीकेंड वाले लोग वीकडेज पे आए ना तो इतनी भीड़ नहीं रहती है, मतलब इतना ट्रैफिक नहीं रहता है लोग इतने नहीं रहते। तो गाइस हम लोग फाइनली मैप्रो गार्डन पहुंच गए, तो देखते हैं अभी यहाँ पे क्या क्या है। ये लोग फ्री में देते हैं ट्रायल के लिए, मैप्रो का चॉकलेट अच्छा है। तो यहाँ पे वो टैटू निकल रहे हैं स्ट्रॉबेरी का, तो आशु के हाथ पे निकालते हैं। तो यहाँ से बहुत बड़ी लाइन है, तो आशु लाइन में रुकी है, तो उसका नंबर आने के बाद निकालेंगे। बाप रे, उसने पूरा अंडा अंदर ही डाल दिया। उसको मरते, उसको कुछ समझ में नहीं आता ना कितना खाना है, उसने वो पूरा अंदर डाला। तो अभी आशु का नंबर आ गया है। दिखा आशु, दिखा, अभी देखते हैं कैसे निकालना है। मस्त है ना। तो गाइस ये मेरे पीछे ब्रेड की फैक्ट्री है, ये लोग यहाँ पे ही ब्रेड बनाते हैं। जो नीचे सैंडविच बनता है ना उसी का ब्रेड यहाँ पे बनता है। चलो गाइज अभी सैंडविच ऑर्डर करते हैं। आशु और कुछ करना है? सैंडविच, सैंडविच और फ्राइज। तो हमने सोचा कि सैंडविच और फ्राइज ऑर्डर कर दे। तो चलो बहुत भीड़ है, चलो। हाय गाइज अभी टाइम हो रहा है 5:46 और हमने फाइनली
सैंडविच ऑर्डर किया, तो उसके साथ हमें फ्रेंच फ्राइज और एक मिनी सैंडविच, दो मिनी सैंडविच, एक फ्रेंच फ्राइज और उसके साथ दो मिनी सैंडविच मिले। तो अभी पहले मैं खाऊंगा, फिर बाद में आशु खाएगी। तो बहुत पेट भर के खाना खाया हमने, खाना नहीं वैसे सैंडविच खाया। ओम, तुझे कैसे लगा? बहुत बढ़िया था, लास्ट टाइम भी आया था, मुझे बहुत पसंद आया था। तो चलो गाइस अभी निकलते हैं घर के लिए। अभी कितने बजे आशु? 7 बजे है ना, मुझे लगता है 7 बजे, देखता हूँ कितने बजे। यस 7:08। तो चलो अभी घर के लिए निकलते हैं हम लोग। हाय गाइस, अभी मैंने तो मस्त से शावर लिया और अभी टाइम हो रहा है 9:39 और आशु ने बनाया आज मसाला राइस और हमने डी मार्ट से ये लिया था बालाजी के सॉल्टेड चिप्स। तो भूख तो लगी है, खाना खाते चलो। और ऊपर से दही और ऊपर से घी डाली आशु ने पूरा। अभी हमारा डिनर हुआ, फिर अब मेरी एग्जाम है जून एंड में, मैं फिर से आने की सोच रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे जो पॉइंट्स है वो ट्रैफिक और दूसरे सर्कमस्टेंसेस के वजह से मिस हुए। तो मेरे एग्जाम के बाद फिर से आने वाला हूँ, बहुत सारे पॉइंट्स देखूंगा और फिर से एंजॉय करूंगा। आज बहुत ट्रैफिक था, तो गाइस कभी भी आपको आना होगा तो मैं बिल्कुल मत आओ, नो मैं, और सैटरडे संडे बिल्कुल मत आओ, बाकी के कौन से भी महीने आ सकते हो, है ना? वीकेंड्स पे कभी भी मत आओ, क्योंकि आज जो हालत हुई है ना, तो बाकी के लोग तो बैठे रहते हैं लेकिन जो चलाता है गाड़ी उसके हाथ पैर पीठ पूरी आकर जाती है चलाते चलाते, है ना? इसको तो कुछ नहीं पता, ये तो सिर्फ ऐसे ऐसे करती रहती। तो चलो इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। पैर इतने बड़े हैं उसको बैठना नहीं आता है, मैंने उसको बोला तू पैर एक ऊपर लेके बैठ।